एवरीवन, आज हम प्रतिदिन योग करने से जीवन में हमें जो फायदे मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं योग क्या है। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़, युक्ति या मेल, पर योग दर्शन में इसे जीवात्मा का परमात्मा से मेल कहा गया है। वैसे तो योग के विषय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, आज भी लिखी जा रही हैं, लेकिन उन सभी रचनाओं में महर्षि पतंजलि की पतंजलि योग सूत्र, जिसे कि पतंजलि योग प्रदीप के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज भी यह उतना ही उपयोगी, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वो प्राचीन काल में हुआ करता था। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों में से 4 अंगों को तो हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते ही हैं किसी न किसी रूप में, और ये 4 अंग हैं यम, नियम, प्रत्याहार और धारणा, जिन्हें हम अपने माता पिता, अपने नाना दादा, नानी दादी, बड़े बुजुर्गों से घर में संस्कार के रूप में सीखते हैं। और जब हम स्कूल जाते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ उन्हें मॉरल साइंस या लिविंग वैल्यूज़ के नाम से सिखाया जाता है। ये क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारी लाइफ के, और पतंजलि के योग सूत्र में 8 सूत्रों में से 4 इम्पॉर्टेंट सूत्रास यही हैं जिन्हें हम घर में और स्कूल्स में सीखते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को खोलेंगे तो सभी धर्मों की किताबों में, सभी धर्मों में हम इन 4 अंगों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो आप समझ ही सकें कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं। घर में हम इन्हें अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता, बुजुर्गों से सीखते हैं संस्कार के रूप में, और स्कूल में हम ये टीचर्स से सीखते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस तो हमें हो ही जाती है। और योगा के अगले 3 अंग जो हैं आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन्हें हमें किसी एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में करना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा प्रचलित है आसन। आज की डेट में इन जनरल कहा जाए तो आसन को ही योग समझा जा रहा है, जो कि योग का एक हिस्सा है। आसन योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अपने आप में कंप्लीट योग नहीं है, और आसनों को करके लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। सिर्फ एक अंग को आप अपने जीवन में इम्बाइब करते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आप और अंग को भी, इसके बाकी के 7 अंगों को भी अपने जीवन में इम्बाइब करेंगे, अपनी दैनिकचर्या में इसका इसे अपना हिस्सा बना लेंगे, अपना लेते हैं, तो समझिए आपको कितना लाभ होगा। योगा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, और हम तनाव से कोसों कोसों दूर रहते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां हमसे कोसों दूर रहती हैं। क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो ज़्यादातर बीमारियों के लिए कहा गया है कि ये तनाव की वजह से है, स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से है। क्या हम अपने 24 घंटे में कुछ समय सिर्फ अपने लिए नहीं निकाल सकते? चलिए आधा घंटा निकाल लीजिए, 1 घंटा निकाल लीजिए, योग कीजिए और उससे होने वाले लाभ को एक्सपीरियंस कीजिए। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वो है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा यह शरीर बना है। और अगर इसे और डीप में देखें, या फिर कहें कि योग दर्शन में हमारे शरीर को पंचकोशी कहा गया है, हमारा शरीर पंचकोशी शरीर है, मतलब 5 कोशों वाला शरीर, 5 लेयर्स से मिलकर बना है हमारा शरीर। इन 5 शरीरों या कोशों में सबसे पहला है हमारा आनंदमय कोश, ब्लिस या कॉन्शियस बॉडी। दूसरा है विज्ञानमय कोश, साइकिक बॉडी। तीसरा मनोमय कोश, मेंटल या इमोशनल बॉडी। चौथा है प्राणमय कोश, इत्रिक बॉडी, ऊर्जा शरीर। और पांचवा है अन्नमय कोश, आर फिजिकल बॉडी। इन 5 शरीरों में से किसी एक भी शरीर में यदि अशुद्धि आ जाती है तो शरीर
बीमारियों से घिर जाता है, मनुष्य परेशान हो जाता है और फिर वो बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल, वैद्य कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप शेयर कर सकते हैं। आप इस बात को मानेंगे कि सभी तो नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम तो इतने बड़े हॉस्पिटल में गए, इतने बड़े डॉक्टर को दिखाया, इतना पैसा खर्च किया, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ हमने ले ली, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। फ़ायदा कैसे होगा? क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी को ही चेक कर रहा है, आपकी सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल बॉडी ही डायग्नोस हो रही है ना, और बाकी की चार बॉडीज़ का क्या? हो सकता है कि अशुद्धि इन चार में से किसी एक बॉडी में हो, जिसकी वजह से एक मनुष्य को परेशानी हो रही है, जिसे हम बीमारी कहते हैं। वो परेशान रह रहा है, वो बीमार पड़ गया है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये सभी ज़्यादातर लोगों के अंदर होता है। ये जजमेंट करने वाला लॉजिकल माइंड, वो पहले से ही सोच के जाते हैं डॉक्टर के पास कि उन्हें फलाना फलाना बीमारी होगी। कोई बड़ी बड़ी तीन चार बीमारियाँ वो पहले से ही सोच के जाते हैं कि भाई या तो उन्हें ये होगा, वो होगा, या फिर ऐसा तो ज़रूर ही होगा। लेकिन जब डॉक्टर उसकी फिज़िकल बॉडी को चेक करता है, डायग्नोस करता है, उनमें से कोई भी बीमारी नहीं मिलती, फिर भी अपनी तरफ से बेचारा डॉक्टर तो पूरी कोशिश कर रहा है, वो तो सही दवाई दे रहा है, लेकिन उसका असर नहीं होता। अब आप कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, कितनी भी महंगी दवाइयाँ ले लें, जब तक आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज, किसी भी बीमारी का रूट कॉज नहीं पता चलता, तो इलाज कैसे होगा? जब आपको पता चलेगा कि भी पांच शरीरों में से किस शरीर में अशुद्धि है, तभी तो आप उसे ठीक कर पाएंगे। तो इन सब परेशानियों का इलाज क्या है? इलाज योग में है। महर्षि से पतंजलि ने अपने योग सूत्र में हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक आध्यात्मिक अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाए, हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कैसे शुद्धि प्राप्त हो, अपने पतंजलि योग सूत्र के 195 सूत्रास के थ्रू हमें पतंजलि ने बहुत अच्छी टेक्निक्स दी, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। और अगर हम पतंजलि योग सूत्र को फॉलो करते हैं तो उसके हमें बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आज जो विश्व भर में महामारी फैली हुई है, योग उससे बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है। योगा से होने वाले इतने सारे लाभों के बारे में जानने के बावजूद भी कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि फलाना को देखिए, वो कितना सक्सेसफुल है, वो तो कभी योगा नहीं करता, हमने तो कभी नहीं देखा सुना कि वो योगा करता है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सुखी और सफल जीवन जी रहा है, तो हम क्यों योगा में अपना समय वेस्ट करें? और एक्चुअली अगर आप उसकी जीवनचर्या को नज़दीक से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ ना कुछ तो वो ऐसा कर रहा है जो कि योग के 8 अंगों में से एक है। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम योग के पहले 2 अंगों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हैं यम, नियम और उससे होने वाले लाभ। तब तक के लिए नमस्कार।